Hello student, today we will discuss about DNA. You know DNA, deoxyribonucleic acid. DNA stand for deoxyribonucleic acid. Deoxyribo D nucleic acid. First of all, it is known as nucleic because present in nucleus. Present in acid. It is acidic in nature, so it is known as acid, deoxyribonucleic acid. First of all, it is seen by Hendrik Meser. In 1869, in the nucleus of first cell, जो first मवाद होता है उसकी सेल में, इसको सबसे पहले Hendrik Meser ने 1869 में ऑब्जर्व किया, देखा. Then it is a genetic material. ये क्या है? It is a genetic material. This is supported by, इसको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया? It is supported by Watson, Avery, Griffith. Griffith ने McLeod in 1944 and Griffith in 1928. Yes, it is a genetic material, means it carry character, it transfer character from parents to offspring. और इसका जो मॉडल दिया गया, मॉडल इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, सो इट इज नोन एज डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, वाटसन एंड क्रिक. वाटसन, ये डिटेल बताएंगे, वाटसन एंड क्रिक, याद रखिए, वाटसन एंड क्रिक. वाटसन, जेडी वाटसन, एफएचसी क्रिक, जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक ने क्या दिया? मॉडल, डीएनए की स्ट्रक्चर दी. जस्ट इसको पूरा डिटेल कर रहे हैं अभी. सो इट इज नोन एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड इट्स मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन क्रिक इन 1954. सो दिस इज अबाउट द साइंटिस्ट हु रिलेटेड विद अ डीएनए बाय एनीवे. एक बार फिर देख लीजिए, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज अ हेरिडिटी मटेरियल. है क्या ये? हेरिडिटी मटेरियल. हेरिडिटी मटेरियल मींस कैरी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इसको सबसे पहले फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस में, सो इट इज नोन एज न्यूक्लिक, एसिडिक इन नेचर, सो इट इज नोन एज एसिड. जेनेटिक मटेरियल, इसको सपोर्ट किया ग्रिफ्थ, मैकॉर्ट, मैकलोड ने, मैकॉर्ट, मैकलोड, देन वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया? डबल हेलिकल, हेलिकल स्ट्रक्चर की, इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दी. ये सब आपको जस्ट अभी बताते हैं. तो देखिए, अब हम फिर करते हैं इसकी स्ट्रक्चर डीएनए. तो ये आपको आ गया होगा समझ,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यदि हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उससे पहले हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। ईच जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है, जो ईच यूनिट ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, यानी डीएनए में होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ देखिए क्या क्या। नंबर वन, डीऑक्सीराइबोज सुगर वन। सेकेंड वन इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। एंड थर्ड वन डीऑक्सीराइबोज सुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड इज नाइट्रोजिनस बेस। तीसरा क्या बताया? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। वन इज डीऑक्सीराइबोज सुगर, सेकेंड इज अ फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड वन इज अ नाइट्रोजिनस बेस। डीऑक्सीराइबोज सुगर, इट इज अ पेंटोज सुगर। डीऑक्सीराइबोज सुगर इज अ पेंटोज सुगर। पेंटोज मीन फाइव, इट इज अ पेंटोज सुगर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेंटोज सुगर। देन फॉस्फेट ग्रुप कंटेन द फॉस्फोरस एटम। फॉस्फेट ग्रुप क्या रखता है? एक फॉस्फोरस एटम, वन फॉस्फोरस एटम मींस फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम एंड वन फॉस्फोरस एटम लिंक्ड विद फोर अदर ऑक्सीजन एटम। वन फॉस्फोरस एटम लिंक्ड विद फोर अदर ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजिनस बेस हैव प्यूरीन एज वेल एज पायरामिडीन। इसमें दो होते हैं, क्या क्या? प्यूरीन और पायरामिडीन। प्यूरीन एंड पायरामिडीन, याद रखें प्यूरीन एंड पायरामिडीन। प्यूरीन एंड पायरामिडीन, प्यूरीन इज एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरीन में फिर दो सारे केमिकल्स हैं, प्यूरीन में एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन रिप्रेजेंटेड बाय ए, गुआनिन रिप्रेजेंटेड बाय जी। देन पायरामिडीन में होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन साइटोसिन सी एंड थाइमिन टी। अब यहां केवल एक बात देखने के लिए बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन भी आया था एनडीएससी में कि जो आरएनए है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इन प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल, यू
बस सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में थायमिन के जगह इन प्लेस ऑफ थायमिन प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। तो जस्ट आपको बताएं क्या क्या डीएनए में है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। डीऑक्सीराइबोज शुगर इट इज अ पेंटोज शुगर, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप इट इज अ फॉस्फोरस एटम विच इज लिंक्ड विद फोर अदर ऑक्सीजन एटम, एक फॉस्फोरस चार अदर ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस इज अ प्यूरीन एज वेल एज ए पाइरिमिडिन, प्यूरीन इज अ एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पाइरिमिडिन इज अ साइटोसिन एंड ए थायमिन। यहां देखिए कि एडेनिन हमेशा ध्यान रखें एक चारगोफ रूल है, चारगोफ रूल, चारगोफ रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन ऑलवेज इक्वल एडेनिन सॉरी एडेनिन कंबाइंड विद थायमिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे अपोजिट भी बोल सकते हो, थायमिन कंबाइंड विद एडेनिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन कंबाइंड विद ग्वानिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये सुन लीजिए, चारगोफ रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और साइटोसिन ग्वानिन, मीन ये इक्वल होते हैं। मींस आप ये देखिए यहां पर क्या बताया, प्यूरीन और इधर से क्या लिया पाइरिमिडिन, इधर से लिया ग्वानिन और यहां से लिया साइटोसिन। अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, चारगोफ रूल को हम अदर से भी डिस्कस कर देंगे बट यहां पर केवल आप क्या देखेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे, चारगोफ रूल पूरा भी डिस्क्राइब करेंगे आपको। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए स्टैंड फॉर फिर बता रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज अ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल है। देखें डीएनए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखते रहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डायग्राम आने हर बच्चे को बहुत जरूरी है, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ये हेलिक्स है, हेलिक्स मीन क्वायल, ये क्वायल है, ये देखिए। अब ये हेलिक्स में कैसे प्यूरीन पाइरिमिडीन किस तरह से पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर अरेंज है वो देख लीजिए। देखिए
ये देखिए थाइमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, पेंटोल सुगर, ग्वानी, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ये देखिए ये हैं फास्फोरस, ये तो हो गए पेंटोल सुगर, ये सारे पेंटोस सुगर, ये फॉस्फेट एटम, फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम डबल बॉन्ड साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, एक और बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि एक हेलिक्स में, ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में क्या होते हैं, ये 10 होते हैं, जबकि यहां हमने 4 ही ड्रॉ कर दी क्योंकि सारे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन देखिए उसके बाद है हेलिक्स, ये बढ़ती जाएगी आगे, ये देखिए ये नेक्स्ट हेलिक्स स्टार्ट हो गया। इस तरह नंबर ऑफ हेलिक्स होते हैं। अब यहां इससे समझेंगे, यहां से देखिए आगे क्या है, बता एक में कितने होते हैं, 5, एक और हाफ में, सॉरी ये देखिए ये, तो ये एक हेलिक्स है यहां से, और दिस इज अ वन हेलिक्स स्टार्ट नेक्स्ट हेलिक्स, अब देखिए डीएनए, इट इज अ मेड अप ऑफ टू पैरेलल चेन, एंटी पैरेलल, ये देखिए दो चेन है किसकी, ऑफ
ये किसका बना रहता है? टू एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ऑपोजिट मीन यहां डायरेक्शन देखिए, थ्री डैश डायरेक्शन के लिख दिया, फाइव डैश यहां पर, थ्री डैश फाइव डैश, तो तभी तो देखिए एक ही अपसाइड एक ही डाउनसाइड मीन ऑपोजिट। इट इज मेड अप ऑफ किसका? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मेड अप ऑफ, अब देख यहां से समझेंगे अच्छे से, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, अभी थोड़ा सा और ऐड करूंगा इसमें, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अब देखिए वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहता है, अभी मैंने बेस पेयर बोला वो भी बताया कि इसके पीछे एक वर्ड और भी लगाऊंगा वो भी समझाते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड में है पेंटोज शुगर वन थी, सेकेंड वन इज फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ये तीन चीजें हैं। तो ये तीन चीजें कहां बन गई? देखिए पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। तो यहां मैं देखूं, देखिए ये मैं थोड़ा सा इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ यहां से तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये तो हमने बताया था दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। इधर से फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये वाला, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड और दोनों मिलकर हो गए बेस, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, दो हो गए पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। तो ये हो गया एक बेस पेयर, दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको बोल दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इट इज मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर। तो ये क्या बताया? इट इज अ जस्ट लाइक टू एंटी पैरेलल चेन, टू एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, एंटी पैरेलल है विच आर, जो क्या है हेलिक्स, जिनको जस्ट लाइक अ लेटर, एक हम सपोज करेंगे हमने एक रबड़ की सीढ़ी ली और उसको हमने क्या किया, ऐसी रबड़ की सीढ़ी है लेटर है एंड देन एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए और उसको हमने क्या कर दिया क्वाइल, ऐसे क्वाइल कर दिया, इसको क्वाइल कर दिया, सो इट इज अ स्ट्रक्चर। तो इट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, पॉली न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये एक तो बन गया बेस पेयर, नंबर है तो पॉलिटीज है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। एंड इन अ हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने 10 बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है दे मूव अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, ये एक सेंट्रल एक्सिस, जैसे आपने देखा होगा स्टेयर हम कई बार एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ऐसे कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, and in a 10 nucleotide base pair and length of जो एक क्या बताया, एक जो helix है उसकी 34 angstrom यानी 3.4 nanometer और 34 angstrom length होती है। and अब देखिए 34 10 की हो गई, और यदि हम देखें दो बेस पेयर है ये दोनों बेस पेयर, इन दोनों बेस पेयर की यदि मैं निकालूं तो सो सिंपल अपॉन 10 कर दूं तो इसकी कितनी आ जाएगी 3.4 तो अंगस्ट्रम और 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि अपॉन 10 कर दिया 0.34 नैनोमीटर, और ये बताया मूव अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस सो इट्स डायमीटर इज 20 अंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।